हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं हूं राहुल और आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी इस साल शिलोंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहां तक कैसे पहुंचेंगे, शिलोंग पहुंचने के बाद होटल कहां पे लेना चाहिए, यहां पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहां पर कहां कहां घूमें, यहां पर आने का कौन सा बेस्ट टाइम रहता है, यहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है और वीडियो की लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों शिलोंग खूबसूरत शहर होने के साथ साथ मेघालय की राजधानी भी कहलाता है। ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जहाँ पे लेक और शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। शिलोंग में आपको ब्यूटीफुल लेक के साथ साथ ब्यूटीफुल वाटरफॉल और शानदार नेचर भी देखने को मिलेगा, जिसको देखने के लिए आपको बार बार शिलोंग आने पर मजबूर करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। शिलोंग पहुंचने का सबसे सस्ता और अच्छा सफर रहेगा ट्रेन का, जिससे आपको हर छोटे बड़े शहर से गुवाहाटी तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप गुवाहाटी तक अपने शहर से ट्रेन के माध्यम से बड़े आराम से आ सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी 100 किलोमीटर की रहती है। गुवाहाटी बस स्टैंड से आप बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से शिलोंग तक पहुँच सकते हैं, जो कि आप लग्जरियस बस के माध्यम से भी शिलोंग तक पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको 600 से 700 रुपए तक चार्ज किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल बस से जाना चाहते हैं तो उसका टिकट आपको 200 रुपए पर पर्सन रहता है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी में आपको 500 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं और सोच रहे हैं प्राइवेट टैक्सी से जाने के लिए तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपको 2500 से 3000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग जाने में लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है, जो कि आपको ब्यूटीफुल लेक और शानदार नजारों को देखते ही ये टाइम आसानी से कट जाएगा। दोस्तों अगर आपका प्लान बाय फ्लाइट आने का है तो गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जिससे आप अपने शहर से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर भी गुवाहाटी तक पहुँच सकते हैं। और गुवाहाटी पहुँचने के बाद प्राइवेट टैक्सी, बस, शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से आसानी से शिलोंग तक पहुंच सकते हैं। शिलोंग के आसपास के शहर से बस की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। अगर आप बस के माध्यम से शिलोंग तक आना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से बस के माध्यम से भी शिलोंग तक आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपका प्लान अपनी खुद की कार से आने का है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप अपने खुद की कार से भी शिलोंग तक आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं शिलोंग। अब हम लोग बात करते हैं होटल कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे शिलोंग में कहीं भी होटल ले सकते हैं, लेकिन आप पुलिस बाजार के आसपास होटल ले, जिससे आप सभी प्लेसेस को आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों पुलिस बाजार को शिलोंग का सिटी सेंटर भी माना जाता है, तो आपको यहाँ पे होटल के रेट थोड़े हाई देखने को मिलेंगे। पुलिस बाजार के पास होटल की रेट की बात करें तो 2000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जैसा बजट आप 5000, 10000, 15000 तक होटल ले सकते हैं। अगर आप वही पुलिस बाजार से 1.5 किलोमीटर अंदर होटल लेते हैं तो आपको 1000-1500 में अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद कुछ देर आराम करें और फिर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों अगर आप शाम तक शिलोंग पहुँचते हैं तो रात भर अच्छे से आराम कर लीजिए और अपनी ट्रिप की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग करें, जिससे आप ज्यादा प्लेसेस कवर कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों शिलोंग के लोकल साइट सीन करने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी में आपको 2000 से 2500 रुपए तक चार्ज करेंगे और शिलोंग के लगभग 5-6 प्लेसेस को कवर करने के बाद आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों आप अगर चाहे तो यहाँ पे बाइक या स्कूटी रेंट पर भी ले सकते हैं। स्कूटी की रेट की बात करें तो आपको 700 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अगर बाइक की रेट की बात करें तो आपको 1000 रुपए से 1200 रुपए तक पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसमें आपको पेट्रोल अलग से डलवाना पड़ेगा। और बाइक या स्कूटी लेने के लिए ड्राइवरी लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों टैक्सी बुक करने के बाद या बाइक या स्कूटी रेंट पर लेने के बाद अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे शिलोंग व्यू पॉइंट पर, जिसे शिलोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एंट्री टिकट 30 रुपए पर पर्सन की रहती है एंड इसकी एंट्री टाइम सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक रहती है और ये व्यू पॉइंट बुधवार को बंद रहती है। शिलोंग पीक से शिलोंग शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है, जो कि आपका दिल खुश कर देगा और यहाँ का मौसम भी इस खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों यहाँ पे आके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर आप शिलोंग घूमने आ रहे हैं तो शिलोंग पीक पे जरूर आएं और अपनी प्यारी प्यारी फोटो क्लिक जरूर करवाएं। अगर आप चाहें तो शिलोंग के ट्रेडिशनल ड्रेस में भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं, जिसके चार्जेस 50 रुपए रहते हैं।
दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद में आप लेडी हैदरी पार्क में जा सकते हैं, जो कि एक खूबसूरत पार्क है। इसकी एंट्री टिकट 10 रुपए पर पर्सन की रहती है एंड इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। दोस्तों ये पार्क शिलोंग की वन ऑफ द फेमस पार्क है। शिलोंग आने वाले सभी टूरिस्ट इस पार्क में जरूर आते हैं क्योंकि ये काफी खूबसूरत पार्क है और इस पार्क को मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको काफी वैरायटी की बर्ड्स देखने को मिलती है और यहाँ पे आप अपना काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने और मस्ती करने के बाद में आप एलिफेंट फॉल के लिए जा सकते हैं। ये भी शिलोंग का ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों एलिफेंट फॉल का एंट्री टिकट 20 रुपए पर पर्सन लगता है और ये फॉल काफी शानदार देखने में लगता है और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है। दोस्तों ये वाटरफॉल पूरे मेघालय ट्रिप की फेमस वाटरफॉल में से एक माना जाता है। इसके आसपास के नजारे आपको काफी खूबसूरत लगेंगे और यहाँ पे आके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद आप कैथेड्रल चर्च जा सकते हैं। ये चर्च काफी ब्यूटीफुल और शानदार दिखता है। अगर आप कुछ टाइम शांति में बिताना चाहते हैं तो आप इस चर्च में भी आ सकते हैं। यहाँ पे आके आपको बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों इसके बाद आप बार्ट्स लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि काफी सुंदर लेक है। इस लेक के आसपास में आपको नेचर का शानदार नजारा दिखेगा। सभी पेड़ पौधे हरे भरे दिखेंगे, जिसको देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी फैमिली और बच्चे के साथ यहाँ पे आए हैं तो ये शानदार प्लेस है। आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये प्लेस पिकनिक स्पॉट के लिए काफी फेमस है, तो आप यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप उमियम लेक के लिए जा सकते हैं, जो शिलोंग की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल लेक मानी जाती है और शिलोंग आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पे जरूर आते हैं, क्योंकि ये लेक शिलोंग की वन ऑफ द फेमस अट्रैक्टिव लेक है, जो कि आपको लेक के साथ साथ नेचर का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों आप अगर शिलोंग आ रहे हैं तो इस प्लेस को अपने लिस्ट में शामिल जरूर करें, क्योंकि इस लेक के बिना शिलोंग की ट्रिप आपकी अधूरी रह जाएगी। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। आप यहाँ पे बोटिंग जैसी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इवनिंग में काफी शानदार नजारा देखने को भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से मस्ती करने के बाद में आपको शाम हो जाएगी। आप अपने होटल पर जाइए, रात भर आराम कीजिए और फिर अगली सुबह चलेंगे जो प्लेसेस शिलोंग से कुछ दूरी पे स्थित है उसको कवर करने। दोस्तों टैक्सी बुक करने के बाद या बाइक रेंट पर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग चलेंगे दोकी रिवर, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास सिचुएटेड है। दोस्तों ये रिवर काफी शानदार और ब्यूटीफुल लगती है। यहाँ का पानी एकदम शीशे की तरह साफ दिखता है। आप यहाँ पे बोटिंग पर भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे काफी मजा करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे जरूर आएं। यहाँ पे अच्छे से मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मोलिंगनोंग विलेज के लिए, जिसकी एंट्री फीस 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। दोस्तों ये विलेज एशिया के सबसे साफ सुथरे विलेज में से एक माना जाता है और इस विलेज को यूनेस्को द्वारा अवार्ड भी मिला था। इस विलेज के अंदर आपको काफी सारा बगीचा देखने को मिलेगा और हर जगह पे आपको डस्टबिन देखने को मिलता है। ये काफी क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है और यहाँ पे काफी कम पॉपुलेशन है। यहाँ पर 80 से 100 घर होंगे पूरे विलेज में, जो कि आपको देखने के बाद काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप अपना काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद में आप लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड़ों की जड़ों का पुल देखने को मिलता है, जो कि 100 साल से भी पुराना माना जाता है। आप यहाँ पे जरूर जाएं, क्योंकि ये मेघालय की पॉपुलर प्लेस में से एक माना जाता है और लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पे जरूर आते हैं। तो आप भी अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आए। यहाँ पे आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको काफी अच्छा फील होगा और इसके बाद आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपको पुलिस बाजार के पास में ही काफी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 150 से 200 रुपए पर थाली के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल लाखों लोग यहाँ पे घूमने आते रहते हैं। आप यहाँ पे अगस्त से मई के बीच कभी भी यहाँ पे घूमने आ सकते हैं, इस टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बात की जाए यहाँ पे कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो आप चाहे तो यहाँ पे 2 डेज 1 नाइट का प्लान कर सकते हैं। इतने दिनों में यहाँ के सभी प्लेसेस को आसानी से और अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। आप कितने बजट में इस प्यारे टूर को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका 2 लोगों में टैक्सी, होटल या बाइक रेंट पर लेते हैं तो बजट डिवाइड हो जाएगा। अगर पर पर्सन का बजट माना जाए तो 4,000 से 4,500 के बजट में आप अच्छे से शिलोंग के सभी फेमस प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। इस बजट में आपका टैक्सी, होटल, फूड, एंट्री टिकट और कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड है। अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो आप VIP होटल ले सकते हैं, VIP रेस्टोरेंट में फूड ट्राई कर सकते हैं और आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो इस वीडियो के
के माध्यम से 4000 से 4500 के बजट में आप सभी प्लेसेस को अच्छे से और आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और अपने दोस्तों या रिलेटिव को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। आप अपने आसपास के जगह को स्वच्छ और साफ सफाई रखें। जय हिंद, जय भारत।